नेपानगर के मातापुर बाजार में दो दिन पहले दागा ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के गहने भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, दागा ज्वेलरी शॉप में हुई इस घटना से सराफा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। सभी सराफा व्यापारियों ने थाने पहुंचकर जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की थी। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक धीरज कुमार डागा के ज्वेलरी की दुकान पर से लगभग 10 लाख के आसपास की चोरी हुई थी, जिसके अंदर पुलिस ने प्रयास कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 48 घंटे के अंदर अंदर ही हम लोगों ने इनको तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके एक बाइक उनसे बरामद की है और साथ साथ में पूरा चोरी का माल जो उनका गया हुआ था वो एक एक माल जो है वो रिकवर कर लिया गया है और आज इनको कोर्ट में पेश करेंगे। सर, उन्होंने माल कहाँ छुपाया था? माल ये लेके गए थे इनके तरफ से जो है वो डाबिया खेड़ा में ही कहीं पे इनका खेत था, वहाँ पे इन्होंने रखा था और प्रयास कर रहे थे बेचने का, उसके पहले ही पुलिस ने इसको पकड़ लिया। नेपानगर थाना क्षेत्र